भर में कई देशों में एक बार फिर कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है, जिस पर लगाम लगाने के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी के साथ जरूरी पाबंदियां लगाई जा रही है। इसी बीच फिलीपींस में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल वैक्सीन की कमी से जूझ रही फिलीपींस की जनता अब महामारी से बचने के लिए घोड़े को दी जाने वाली दवा आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल कर रही है। इसका प्रभाव ऐसा है कि देश में कुछ नेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इस दवा को कोरोना वैक्सीन के दौर पर प्रमोट कर रहे हैं। वैक्सीन की कमी के चलते लोगों में इतना तनाव है कि वे इस दवाई के साइड इफेक्ट के बारे में भी चिंता नहीं कर रहे हैं। वे बस कोरोना से ग्रस्त होकर अस्पताल में भर्ती होने से बचना चाहते हैं, इसलिए आइवरमेक्टिन नाम की दवाई का यूज कर रहे हैं। वाइस की रिपोर्ट के अनुसार इस दवा की डिमांड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ मार्च के महीने में ही इस दवा को फिलीपींस में 700 गुना ज्यादा ऑनलाइन सर्च किया गया है। आइवरमेक्टिन को बनाने वाली कंपनी मर्क ने भी एक बयान में कहा है कि वैज्ञानिकों ने इस दवा को कोरोना वैक्सीन के तौर पर सही नहीं पाया है, लेकिन इसके बावजूद इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। दोस्तों जानते हैं क्या है आइवरमेक्टिन। डॉक्टरों के अनुसार आइवरमेक्टिन मेडिसिन का इस्तेमाल इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट जैसे कि सिर की जू, खाज, अंधापन और लसी का फिल्मासे का इलाज करने के लिए किया जाता है। मूल रूप से इस दवा को पशु चिकित्सा दवा की तरह पेश किया जाता है, जो आमतौर पर बिल्लियों, कुत्तों, घोड़ों, गायों और सुअरों को दी जाती है।